छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भी किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा एकजुट दिखे। यहाँ यह भी बता दें कि भाजपाइयों द्वारा अन्य क्षेत्रों में भी किसानों की मांगों को उठाया गया। भाजपाइयों ने सड़कों पर उतरकर किसानों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है और वह किसानों की अनदेखी कर रही है। आपको बता दें कि जिला सूरजपुर में किसानों की धान खरीदी के मुद्दे को लेकर भाजपा सूरजपुर में आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप में दिखी। भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कलेक्टोरेट का घेराव कर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल भाजपा द्वारा प्रदेश में धान खरीदी की तारीख बढ़ाना, खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी, गिरदावरी में रकबा कम करना और टोकन के लिए किसानों को कई दिनों तक लगने जैसे मुद्दों को लेकर आज प्रदेश व्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसके तहत सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया गया और सरकार से किसानों का एक एक दाना खरीदने की मांग की गई। इस दौरान भाजपा के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को नींद से जगाने के लिए भाजपा किसानों के साथ सड़क पर उतरी है। कांग्रेस सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसानों का गिदावरी में जो रकबा काटा गया है उसे तुरंत समाप्त किया जाए। संभाग से संवाददाता तुलेश्वर प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, हमारी मांगे तो किसानों के हित में है कि कांग्रेस दो साल पूर्व 2018 में जो गंगा जल लेकर के कसम खाया था कि सरकार बनाने के वादा किया था, सरकार बन भी गई, किसानों के साथ वादा किया, मजदूरों के साथ वादा किया, हमारे महिला समूह के साथ वादा किया, प्रदेश में इन लोगों ने जो गंगा जल लेकर के कसम खाया था कि हम किसानों के दो साल के बोनस, पहले तो हम आज इसके जो कार्यक्रम धरना प्रदर्शन है कि किसानों के हित में किसान विरोधी जो काम किया है इस कांग्रेस सरकार ने दो सालों में, उसके विरोध में आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन में गिरफ्तारी दिया है। और हम तो मांग किया है ये सरकार दो साल का बोनस दे, दो साल उन्होंने पिछले समय का दो साल का बोनस दे और अभी इनकी सरकार दो साल हो चुका है, इसका एक एक दाना धान खरीदे, एक एक दाना धान खरीद नहीं सकी। आज हम देखते हैं कि किसानों का दाना खरीदे न सके और न तो दाना दे सका, इसलिए पूरे दो साल का बोनस दे, किसानों के जो पूरा दाम दे। अभी तक पिछले साल का धान जो हमारा बेचा हुआ, बिक्री किया हुआ किसान, उस धान का राशि नहीं मिल सका और किसानों के पूरे कर्जा न माफ़ नहीं हो सका। उन्होंने कोई कहा था कि हम किसानों के सारे कर्जा माफ़ करें, किसान प्रलोभन में आ गया और पूरा के पूरा वोट जनता ने कांग्रेस को दिया। महिला समूह का भी कर्जा माफ़ नहीं, महिला समूह ने भी पूरा वोट दिया, बेरोजगारों ने भी 25 रुपये वादा किया था, 1 रुपये नहीं दिया। ये सारे मुद्दे हैं लेकिन आज हम जो धरने दिए हैं किसानों के हित में कि हमारा एक एक दाना धान खरीदो, एक महीना जो विलम्ब से जो खरीद रहे हो एक महीना और बढ़ाओ, क्योंकि आपने दिसंबर से शुरुआत किया है जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों में 1 नवंबर से धान खरीदते थे, रात उत्सव के दिन से शुरुआत करते थे, लेकिन ये सरकार एक महीना लेट खरीदा। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे अभी तक किसानों के पूरे धान जो पंजीयन किसान है, पंजीकृत किसान है, उनका भी धान अभी तक नहीं खरीद सका है, इसलिए एक महीना और धान खरीदने का समय बढ़ाया जाए, क्योंकि आज 22 तारीख है, 4-5 दिन बचा है, इसके बाद धान किसानों का ये इनके नियत तात्विक अनुसार पूरा धान नहीं बेच सकता। ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग आज आंदोलन किया है और आने वाले समय में जैसे कि किसान जिस गति से किसानों को ठगा है, मजदूर को ठगा है, आज हम देखते हैं कि किसान के साथ साथ मजदूर ठगा समझूस इसलिए है, कोई रोजगार काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आज हम देखते हैं कि रोजगार दर दर भटक रहा है, गोबर खरीदने के नाम पर जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ रुपए जैसा पता चला कि 200 करोड़ गोबर खरीदने की बजट है और रायपुर के जो शहर में होर्डिंग लगा हुआ है कि 14 करोड़ प्रति माह गोबर खरीदी जा रही है। किसका खरीदी जा रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। सूरजपुर जिला भी छत्तीसगढ़ में है, सूरजपुर जिले में तो किसी कोठान में गोबर खरीदा नहीं गया और खरीदा गया है तो दो चार जो है कांग्रेसी दलालों के नाम से खरीदा गया है, दो चार ट्रैक्टर, नहीं तो जिस तरह पैसा अगर मिलना चाहिए हर महीना 14 करोड़ रुपए अगर एक महीने में खरीदी हो रहे हैं तो 50 लाख तो हमारे ज़िले में भी मिलना चाहिए हर महीना, लेकिन हम देखते हैं कि सब किसान व्यापारी, आज हमारे यादव समाज के कुछ किसान लोग भी आए थे गोबर लेकर के कि ये कांग्रेस सरकार नहीं खरीद पा रही है, कलेक्टर साहब के दरवाजे में हम कलेक्ट देना चाहते हैं कि हमारे भी गोबर खरीदी जाए। इसलिए सारे मुद्दों को लेकर हमने मांग किया है। आने वाले समय में तो कहा किसान इंतजार कर रहा है, जो किसान 70 सीट दे सकता है तो आप समझ सकते हो कि किसान भगवान है, हमारा अन्नदाता है, उसके साथ अगर ठगी कर रहा है
उसका बाप के भागीदार ये सरकार कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सियासत कर रही है, हमने समर्थन मूल्य दिया है, हमने बोनस देने की बात कही है, हम दाना दाना खरीद रहे हैं। और दूसरी बात सर, इसमें ये भी कहना है कि सर बारदानों की कमी की बात हो रही आप कर रहे हैं सर, तो बिचौड़ी से बरदाना मिल रही है सर, लगातार दुकानों में बरदाना मिल रही है 40-50 रुपये। इस बारे में आपको पार्टी से खड़े तो कह रहा हूँ कि ये सरकार बिचौलियों के हाथ में बिक गया, बोरा नहीं दे पा रही है, बिचौलियों के पास कहाँ से बोरा आ गया। कांग्रेस की सरकार है ना, इनको कहीं ना कहीं बोरा उपलब्ध अगर नहीं हो रहा है तो बिचौलियों को सपोर्ट कर रही है सरकार, जिसके कारण बरदाना किसान भटक रहा है, बोरा ऊँचे दाम में 30 रुपये से 40 रुपये खरीद रहा है। तो इस तो स्पष्ट दिखाई रहा है कि ये सरकार बिचौलियों के हाथ में बोरा बिक गया और इसीलिए एक महीना लेट किया। बोरा खरीदी में भ्रष्टाचार, ये सारे भ्रष्टाचार के जड़ है। जब जब कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे देश की सरकार हो, आपने देखा होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 10 सालों में इतने घोटाले घोटाले कि आज भी उनके नेता कोई जेल में है कोई बेल में, ये तो उनकी घोटालों की सरकार है। आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ये 2 सालों में इनके कारनामे पूरे उजागर दिखाई दे रहे हैं। बालू घोटाला, कोयला घोटाला, सारे घोटाले, गोबर घोटाला, मैं तो ये कह सकता हूँ कि गोबर भयानक जो है गोबर घोटाले की नज़र दिखाई दे रहा है। आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों को भी महसूस होता होगा कि ये सरकार कैसा चल रहा है। इसलिए तो किसान समय आने पर जवाब देती है, इसलिए आज हम लोग किसानों के हित में किसानों के साथ मिलकर के यह जो धरने प्रदर्शन है उसको हम लोग आंदोलन के रूप में दिया है और गिरफ्तारी भी दिया है। हम तो चाहते हैं गिरफ्तार करें, लेकिन ये सरकार गिरफ्तार भी करके जो है हमको रखना चाहे जेल में चले, यहाँ इतने 5,000 लोगों की व्यवस्था करें, हम लोग तो सहज तैयार हैं जेल जाने के लिए। भाई ये सरकार के कारनामों के कारण हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में सर जिला मुख्यालय सर मानते हैं प्रशासन दोषी है कि इन पर पार्टी भी दोषी है जो खुल के खड़ी होती है किसानों के साथ में, किसानों का टोकन नहीं कट रहा, कागज विधान भी 840 क्विंटल। मैंने कहा कि ये सरकार फेलवर है, धान के टोकन नहीं कट पा रहा है, दलालीगिरी कर रहे हैं। कांग्रेस के दलाल हर सोसाइटियों में पड़े हुए हैं, उन दलालों से मिल करके जो पैसा देता उन्हीं का टोकन पहले खरीदा जा रहा है। ये तो सही हो रहा है, ये बात पूरे लोग जान रहे हैं, पूरे किसान जान रहे हैं। लोग हैं जो कांग्रेस के दलाल हैं उन्हीं का जो है उन्हीं के माध्यम से जो चूंकि निगरानी समिति बना है, कांग्रेस के पूरे दलाल लगे हुए हैं शोषण करने में किसानों का। एक जो किसान सब परेशान हो चुके हैं किस कांग्रेस की नीतियों से और उनके दलालों से परेशान हो चुके हैं। इसलिए आप देखते जाइए, किसान अब आज संकल्प ले चुका है उखाड़ फेंकने के लिए। इसलिए आप लोग का सहयोग मिले तो और हम लोग आप लोगों का भी सहयोग मिले, जहाँ भी उनकी खामियाँ हैं उसको हम लोग बताइए, हम लोग आंदोलन करने की जनता तैयार हो चुकी है। पिटेटा प्रेस वार्ता में सर आपने कहा था कि जाँच कमेटी गठित की जाएगी और जो 833 क्विंटल धान बेचा गया था उस पर जाँच करेगी सर, तो अभी तक जाँच टीम गठित नहीं हुई सर, जाँच टीम गठित करेगी? तो मैंने कहा कि हम लोग तो पूरी जनता जाँच करेगी उनका भाई, जाँच कमेटी का तो निर्णय जनता ही करेगी, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। इसलिए आप इंतजार करो, आने वाला चुनौती आने वाला जो समस्या है वो सारे समस्याओं को निराकरण तो जनता करेगी। ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने 4 तारीख को ही पूरा आगाह किया था, पूरे प्रदेश में पूरे मंडलों में धारणा दिया था कि किसानों की जो समस्या है, दाने का दाना खरीदने जा रही है, टोकन दिया नहीं जा रहा है, हमारे बरदाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, आज आ रहा है कल आ रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। सारे विषयों को लेकर 4 तारीख को हम लोग आंदोलन किया था, लेकिन आज तो हम लोग आंदोलन नहीं, आज तो हम लोग धरना के साथ साथ यहाँ पर कलेक्टर का घेरावा किया है, गिरफ्तारी देने आया है कि सरकार अब जो अक्षम हो चुकी है। इसलिए आज हम लोग इतने बड़े समूह में पूरे 5,000 से ऊपर किसान यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कि वादा खिलाफी कर रही है सरकार, उसके विरोध में धरना और आंदोलन करने आए हैं। एक अंतिम सवाल सर, सर सूरजपुर के संग्रहण केंद्र सर, चाहे मैं बात करूँ आपसे बसदई की सर देवनगर की, वहाँ बड़ी संख्या में सर धान सड़ी है सर, इसमें जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी क्या सर? पहला चीज़ उस पार्टी पर क्या करेगी? दूसरा चीज़ सर, बड़ी संख्या में मजदूर थे हाल ही में, 200-400 मजदूर करीब डीएमओ कार्यालय घेराव के सर, उन्हें कहना कि 5 माह भुगतान नहीं हुआ है सर, पार्टी इस पर क्या करेगी सर, क्या एक्शन लेगी? मैंने कहा ये कांग्रेस की सरकार कंगाल हो चुकी है, ये कर्जा लेकर के घी पी रही है। आज मजदूर जो पसीना बहा रहा है उनको मजदूरी नहीं दे पा रही है धान संग्रहण केंद्रों में, जो मजदूर है धान उठाव होना चाहिए समय पर, उठाव नहीं कर पा रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार का भू है। इसलिए हमारे माननीय पूर्व हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी प्रतिपक्ष के नेता जी इस कार्यक्रम में आए थे बसदेही में, देवनगर में, सारे परिस्थितियों को देखा है, विधानसभा में क्वेश्चन भी उठा है। लेकिन आप समझ सकते हो ये सरकार पूरा बहानाबाजी करके उस समस्या का निराकरण नहीं चाहती है, नहीं तो ऐसे जो मुद्दे हैं इतने धान किसानों के सड़ गया, अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, जिम्मेदार कौन है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये तो जनता दिख रही है, स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस सरकार कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ जो है भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है, ऐसा महसूस होता है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर
सभी जिला मुख्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी जंगी आम सभा आंदोलन धरना प्रदर्शन के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव और गिरफ्तारी का कार्यक्रम आयोजित की गई है। दो साल के विरोध पक्ष में सबसे पहला बार यह आंदोलन है। विपक्ष में आने के बाद 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही और डॉक्टर रमन सिंह जी ने एक एक किसान का एक एक दाना धान खरीदा था, और भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद दो साल से किसान हलाकान है, परेशान है, और किसान का धान बिक नहीं रहा है, किसान का टोकन नहीं मिल रहा है, किसान का जमीन की चोरी हो गई है, रकबा काट दिया गया है और किसान के लिए बारदाना नहीं मिल रहा है। ये भूपेश बघेल की अंधी गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज हमारे जितने गांव-गांव से आए हुए किसान भाइयों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नौजवान साथियों ने, महिला बहनों ने संकल्प लिया है, और इस बात का संकल्प लिया है अभी तो ये लड़ाई है और आगे और लड़ाई है, 3 साल तक लड़ाई चलने वाली है। और जिस किसान के बल पर कांग्रेस की सरकार आई थी उसी किसान को ये कांग्रेस की सरकार परेशान कर रही है, और ये सिर्फ नरवा घुरवा और बाड़ी के ऊपर सरकार चल रही है। आज पूरे प्रदेश में और पूरे ज़िले में कांग्रेस के जो दलाल हैं वो शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, चाहे कोयला के नाम पर हो, चाहे शराब के नाम पर हो, चाहे बालू के नाम पर हो, पूरी दलाली का खेल चल रहा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और सड़क की लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस को इसका करारा जवाब देगी। सचिव वगैरह अभी हड़ताल में हैं, तो कुछ कहेंगे उनके बारे में? देखिए, अभी तो सचिव हड़ताल में, पहले पटवारी हड़ताल में थे, हमारे बहुत से लोग माने रायपुर तक पदयात्रा करके कर्मचारी अपनी मांग मंगवा रहे हैं। ये प्रदेश में जो सरकार आई थी ये थोते घोषणा पत्र के पर आई थी, झूठे आश्वासन देकर के आई थी, वो आश्वासन इन लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और आने वाले समय में अभी कुछ ही अधिकारी कर्मचारी हड़ताल में आए हैं, अब पूरा प्रदेश हड़ताल में आने वाला है, एक एक जन सड़क पर उतरने वाला है और इस सरकार को घाट फेंकने वाला है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.